हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट की शंकर आईएएस की सीरीज़, जिसमें हमारा चैप्टर 3 टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कर चल रहा है। और इसमें हम ऑलरेडी जो चैप्टर है वो ख़त्म कर चुके हैं। इसके सिर्फ लास्ट वाले दो टॉपिक्स रहते हैं, एक है डेजर्टिफिकेशन और एक है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो ये जो लास्ट के दो टॉपिक्स रहते हैं इसको आज हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं डेजर्टिफिकेशन से। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन वो कंडीशन होती है जब ड्राई लैंड्स की वेजिटेशन, ड्राई लैंड्स में आ जाते हैं जैसे एरिड और सेमी एरिड लैंड्स, जैसे ग्रास लैंड्स हो गए, श्रब लैंड्स हो गए, तो वहाँ की जो वेजिटेशन है ना वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और डिक्रीज होते 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 धीरे धीरे जो वेजिटेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे कोई ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। पहले जो ग्रास होएगा, जैसे कोई एरिया है यहाँ पे ग्रास की वेजिटेशन है, पहले तो डेंस वेजिटेशन होएगी ग्रास की, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये डेंस से थिन होनी शुरू हो जाएगी, थिन से धीरे धीरे ये गायब हो जाएगी। जब ये वेजिटेशन यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएगी तो वो जो कंडीशन बनेगी उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन क्यों होता है? ये बेसिकली डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, या फिर माइनिंग जैसी एक्टिविटीज जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी डेजर्टिफिकेशन जैसी कंडीशंस फेस करनी पड़ जाती है। और डेजर्टिफिकेशन की जो मेन प्रॉब्लम है वो आती है डेजर्ट के आसपास वाले इलाकों में। जैसे इंडिया में बात कर ले हम, राजस्थान क्या है, राजस्थान एक डेजर्ट है, और राजस्थान के आसपास जो एरियाज है, जो स्टेट्स है, जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो वहाँ पर क्या है वो भी डेजर्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रही है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, जो ग्रासलैंड्स वाला जो एरिया है या ड्राईलैंड्स का जो एरिया है वो धीरे धीरे वहां पे जो वेजिटेशन है वो खत्म हो जाती है। जब वेजिटेशन खत्म हो जाती है तो वो जो एरिया है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है डेजर्ट में कन्वर्ट होने का उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। और डेजर्टिफिकेशन जरूरी नहीं कि ये क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हो रही है या ड्रॉट्स की वजह से हो रही है, डेजर्टिफिकेशन के बहुत सारे ह्यूमन रीजंस भी है, ह्यूमन एक्शन की वजह से भी डेजर्टिफिकेशन हो रही है। तो डेजर्टिफिकेशन के कॉजेस की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे कॉजेस है। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो पॉपुलेशन प्रेशर की, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अभी तो रिसेंटली जो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वर्ल्ड में पहले नंबर पे आ गया है पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इंडिया की कितनी हो गई है, 143 करोड़ हो गई है। तो पॉपुलेशन प्रेशर जो है हमारे इंडिया में बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या है डेजर्टिफिकेशन जैसी सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ रही है। बाकी सेकेंड रीजन क्या है, ओवरग्रेजिंग, कैटल पॉपुलेशन बढ़ रही है, कैटल पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके लिए क्या चाहिए, ग्रासलैंड्स चाहिए ग्रेजिंग के लिए। अब कैटल पॉपुलेशन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे ये जो ग्रासलैंड्स है वो ख़त्म हो जाएंगे ओवरग्रेजिंग की वजह से। जब ग्रासलैंड्स ख़त्म हो जाएंगे तो डेजर्ट बन जाएगा, तो कंडीशन क्या बन जाएगी डेजर्टिफिकेशन की। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ेगी तो उससे क्या है धीरे धीरे जो है हम डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत सारे हमारी चल रही है, बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, उससे क्या है बड़े बड़ी बिल्डिंगें हम बनाए जा रहे हैं, उससे क्या है डेजर्टिफिकेशन जो है वो एक्सेस हो रही है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रही है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़ेगी, हम पेड़ पौधे काटेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली डेजर्ट जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। और लास्ट रीज़न क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्या है, हम जंगलों को काट रहे हैं हमारी फूड की डिमांड्स को पूरा करने के लिए, हमारी लकड़ी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो जंगलों को काट रहे हैं तो जंगलों को काटेंगे डिफॉरेस्टेशन होगी, डिफॉरेस्टेशन से अल्टीमेटली क्या होगा डेजर्टिफिकेशन होगी, राइट। तो अब कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो इंडिया UNCCD की का एक सिग्नेटरी है, इंडिया ने ये UNCCD का जो कन्वेंशन है उसको साइन कर रखा है। UNCCD क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो इसको हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी साइन कर रखा है और नेशनल लेवल पे भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए। 2001 में हमने नेशनल एक्शन प्रोग्राम शुरू करा था
डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए, फॉर कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि हमने इंप्लीमेंट कर रखे हैं डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए, जैसे कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हो गया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गया, सॉयल कंजर्वेशन इन द कैचमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड फ्लड प्रोन रिवर्स, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। ऐसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू कर रखे हैं टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और लास्ट में डेजर्टिफिकेशन को कम करने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, वो है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब एफॉरेस्टेशन में क्या होता है, एफॉरेस्टेशन में हम जंगलों को लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, क्योंकि अब देखो सबसे पहले जो एफॉरेस्टेशन है इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, इसकी शुरुआत करेंगे जो डेजर्ट रीजन है, जो राजस्थान हो गया या राजस्थान के साथ वाली स्टेट्स होगी, जैसे गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो राजस्थान और उसकी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है वहां से हम शुरुआत करेंगे एफॉरेस्टेशन की, या फिर जहां पे वुड का ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है वुड को एज ए फ्यूल किया जाता है, तो वहां पे भी बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, तो वहां पे भी हमें एफॉरेस्टेशन की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है, क्योंकि एफॉरेस्टेशन से क्या होता है, एफॉरेस्टेशन से एक तो सॉइल इरोजन कम होता है, जंगल ज्यादा लगाएंगे पेड़ ज्यादा लगाएंगे तो सॉइल इरोजन कम होगा, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी, रेनफॉल ज्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी और इन्वायरमेंट भी हमारा साफ रहेगा, तो इसीलिए जो एफॉरेस्टेशन करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की हमें जरूरत है। लास्ट बात करते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है अगर हम कंपेयर करें 1980 से, तो हमारा फॉरेस्ट कवर पहले से काफ़ी इंक्रीज हुआ है। 1980 में हमारा फॉरेस्ट कवर था 19.53% और 2021 में ये फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होगा, कितना हो गया, 21.71%। और अगर हम बात करें टोटल ग्रीन कवर की, तो टोटल ग्रीन कवर जिसमें ट्री कवर भी आ जाता है, तो वो कितना है, वो है 24.62%। ट्री कवर क्या होता है, जो ट्री कवर वाला एरिया होता है ना वो फॉरेस्ट में काउंट नहीं होता, क्योंकि ट्री कवर वो स्मॉल पैचेस ऑफ ट्रीज होते हैं जहां पे जो पेड़ है वो दूर दूर लगे होते हैं, मतलब एक हेक्टेयर के अंदर एक या दो पेड़ ही आपको दिखाई देंगे, ज्यादा पेड़ नहीं होते, तो वो जो इंडिविजुअली पेड़ लगाए जाते हैं ना, इंडिविजुअली ट्रीज होते हैं दूर दूर लगे होते हैं, तो वो ट्री कवर में काउंट होते हैं, वो फॉरेस्ट में कवर नहीं होते। इसके अलावा फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन में फॉरेस्ट तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरे आते हैं डेंस फॉरेस्ट और तीसरे आते हैं ओपन फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट में जो डेंसिटी होती है वो होती है 70%, मतलब लैंड पे 70% या 70% से ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी होगी। डेंस फॉरेस्ट में डेंसिटी होती है ट्रीज की 40% और ओपन फॉरेस्ट में जो कैनोपी डेंसिटी होती है वो होती है 10-40% तक, राइट। और इस सर्वे में क्या है, जो 2021 में जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग, ये जो सर्वे हुआ था ना 2021 का, ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में फर्स्ट टाइम जो गुजरात का गिर फॉरेस्ट है उसको इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा टाइगर रिजर्व्स और टाइगर कॉरिडोर्स भी इसमें इंक्लूड करे गए थे। जो गिर फॉरेस्ट है इसमें है एशियाटिक लाइन्स रहते हैं, इट इज़ द ओनली हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लाइन्स। इसके अलावा इंडिया में और कहीं भी एशियाटिक लाइन्स कहीं किसी भी फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ गिर फॉरेस्ट में ही होते हैं। और ये जो गिर फॉरेस्ट है इसको पहली बार सर्वे में इंक्लूड किया गया है। इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 2019 के कंपैरेटिवली 0.4% इंक्रीज हुआ है, पहले था 21.67%, अब इंक्रीज होकर हो गया 21.71%, मतलब कि इंडिया में जो ग्रीनरी है वो इंक्रीज हो रही है, ना कि डिक्रीज हो रही है। ट्री कवर भी पहले से इंक्रीज हुआ है, ट्री कवर कितना इंक्रीज हुआ है, 721 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है ट्री कवर का वो इंक्रीज हुआ है। इंडिया की जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है इन टर्म्स ऑफ एफॉरेस्टेशन वो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। तेलंगाना में जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है वो है 3.07%, आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है 2.22% एंड ओडिशा में इंक्रीज हुआ है 1.04%। मध्य प्रदेश अभी भी, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट एरिया है अंडर फॉरेस्ट
पूरे इंडिया में, पहले भी जो हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया वाली स्टेट थी वो थी मध्य प्रदेश। और 2021 का जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के अकॉर्डिंग भी मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है, राइट। तो ये जो मध्य प्रदेश वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये भी ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया, कितना इंक्रीज हुआ है, 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया। बैम्बू फॉरेस्ट जो है, बैम्बू फॉरेस्ट की ग्रोथ कितनी हुई है, 26% 2019 से 21 के बीच में, 2 सालों के बीच में बैम्बू फॉरेस्ट की ग्रोथ कितनी हुई है, 26%। वेरी डेंस फॉरेस्ट का जो एरिया है वो भी इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 500 स्क्वायर किलोमीटर्स का। अब लास्ट में बात करते हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की, जहां पे फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। तो कौन सी स्टेट्स है जहां पे फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है, वो सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है। कौन कौन सी, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, इन 5ों स्टेट्स में जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज हुआ है पहले के कंपैरेटिवली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।